नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर वैद, जिला झज्जर हरियाणा से। दोस्तों, आज हम आपको बबूल के बारे में बताएंगे। बबूल जिसको हमारे हरियाणा के अंदर है देसी किक्कर के नाम से जाना जाता है, आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं उसके बारे में। इसके अंदर कितने गुण हैं, कितने गुणकारी पौधा है ये, आप उन गुण आपके लिए वो क्या मायने रखता है, आपके जीवन में आपके शरीर के लिए क्या मायने रखता है, वो सारी चीज़ें आज आपको डिटेल से बताएंगे हम, डिटेल से समझाएंगे उसके अंदर क्या क्या गुण हैं। वो इस पौधे के अगर बात करते हैं हम, तो इसमें जैसे मैन है इसका छाल, दूसरा इसके अंदर पत्ते जो इसके ग्रीन पत्ते होते हैं, तीसरा इसमें फूल जो इसके अंदर पीले फूल आते हैं, पहले ग्रीन होते हैं इसके बाद वो पक्के पीले बन जाते हैं, और तीसरा चौथा ही अगर हम बात करते हैं तो चौथे में इसका पूरा जो भी पत्ते वगैरह सूखे वाले या टहनी हैं वो इसके अंदर तमाम चीज़ें जो भी हैं प्रकृति ने इसको जो भी गुण दिए वो सारे ही आपके लिए बहुत ही गुणकारी हैं। आप उनका प्रॉपर मात्रा में फ़ायदा उठाएं, और आज हम बताएंगे उनके अंदर क्या क्या गुण कूट कूट कर प्रकृति ने भरे हुए हैं, और आपके जीवन में उनका क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम आते हैं, एक बीमारी है जो मुंह के छाले, मुंह आ जाता है, जीभ आ जाती है, खाने पीने में दिक्कत आती है, बार बार छाले बन जाते हैं, जीभ जो है बिल्कुल लाल हो जाती है, लाल जीभ से खाना खा नहीं पाते, एक पेट की गर्मी बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी मुंह जो है बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हम खाना खाते हुए बहुत परेशानियों का सामना करते हैं। अब उन परेशानियों का समाधान आप घर बैठे कर सकते हैं, और बगैर किसी एक पैसे के खर्चे, बगैर जो आपने प्रकृति ने जो आपको गुण दिए हैं, आज उन्हीं गुणों से आप अपना इलाज 100% कर पाएंगे। तो मुंह के छालों के लिए रामबाण चीज़ है, इसके हरे पत्ते जितने भी कच्चे कच्ची गोभी आती है, जैसे ये दिखा रहे हैं हम आपको, ये कच्ची कच्ची गोभी हैं, इनको आप 5-7 तोड़ के हाथ पे रख के थोड़ा ऐसे मसल के उसको और खा जाइए, खाने के बाद आप पानी पियोगे इतना अमृत समान मीठा लगेगा आपको, पानी जबरदस्त मीठा लगेगा आपको, खाना भी खाओगे उसमें भी बहुत आपको ये आनंद महसूस होगा भाई, पता नहीं आपने मतलब लाख रुपए की चीज़ खाकर भी आपको जो संतुष्टि नहीं मिली देसी किक्कर के, अगर आप कच्ची या कुप्पड़ खाते हो तो इससे जो आपको आनंद मिलेगा वो मेरे हिसाब से और किसी वृक्ष में नहीं मिल पाएगा आपको, ये बहुत ही गुणकारी है। और अगर आगे की बात करें इसकी हम, तो ये बवासीर, बवासीर जिस मरीज को, बवासीर के लिए भी इसकी तासीर ठंडी होती है, और बवासीर में भी ये काम करता है, प्रॉपर काम करता है, तो बवासीर का मरीज भी इसके थोड़े कुप्पड़ तोड़ के आराम 5-7 कुप्पड़ सुबह शाम खा सकता है, रगड़ के आराम से खा सकता है, और उसको बहुत ही लाभ मिलेगा। तीसरा बात करते हैं हम तेजाब, जलन, कालजे में जलन बनती है बार बार, पेशाब, बार बार पेशाब भी आता है, जलन बनती है पेशाब में भी, मतलब पेशाब प्रॉपर उतरता नहीं है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी इसके जो पीले फूल हैं, इसके जो कच्चे हरे पत्ते हैं वो उनको चबा चबा के खाओ, आप कितना आनंद आएगा, कितना जल्दी ठीक हो जाओगे, बगैर किसी कॉस्ट के ठीक हो जाओगे, एक ज़बरदस्त फायदा इसके अंदर जो आपने इसका पूर्ण फायदा उठाना है। तो हम आगे के रोगों की अगर बात करें, तो दोस्तों इसका मेन जो पर्पज़ है आज जो हरियाणा के अंदर हम इसको जिस पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं वो है दातुन, दातुन सुबह शाम हम इसी की दातुन करते हैं, और प्रॉपर इसे दांत साफ होते हैं, दांत मजबूत भी होते हैं, दांतों में जो और बीमारियां बढ़ती हैं उनसे भी ये आपके दांतों को बिल्कुल बचा के रखती है, बहुत ही अच्छी होती है। एक दांत रोग जो की समस्या आती है शरीर के अंदर जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो भी इसके पत्ते और इसके जो ये पीले फूल हैं हाँ इनको आप खा सकते हैं, उससे भी इसमें बहुत ही आराम मिलता है। एक शिखर पतन की दिक्कत में भी ये रामबाण के रूप में आपको फायदा देगा, और आप इसको चबा चबा के सुबह शाम 2 टाइम खाएं। अगर हम दर्द की बात करें, दर्द में भी इसका जो हाथ पैरों का दर्द है या और आपके कमर का दर्द है,
या और भी किसी प्रकार का दर्द है उसके लिए आप इसके सूखे पत्तों को, इसके जो ये आप देख रहे हो कि इसके छाल छाल है जो ये पेड़ की छाल है बक्कल जिसको बोलते हैं, ये उतार के आप और पीड़े फूल सूखे हुए हों और ये पत्ते हों इनको मिक्स करके आप एक चूर्ण बना लीजिए। ये चूर्ण जो आपको देख रहे हो तैयार है ऐसे इस टाइप का चूर्ण बना के और इतनी इतनी मात्रा उसकी सुबह से हम आप पानी के साथ ले सकते हैं। तो ये उसके लिए भी बहुत ही गुणकारी है और उसमें बहुत आपको लाभ देगा। और पेट की जिस भी आदमी को पेट की गर्मी है या बच्चे को है बड़े को है किसी महिला को जो पेट की आपकी समस्या गर्मी की है या पेट में गैस बनती है पेट में और भी पेट की जो तमाम बीमारियों के लिए इसकी जो कलियां हैं कच्ची कच्ची कलियां और ये जो पीले फूल हैं ये काफ़ी फायदेमंद रहती हैं। और एक जैसे मुंह से बदबू आती है तो मुंह से जिसके बदबू आती है वो इसकी प्रॉपर दातुन करे और इसको जैसे आप इसका वो खाए पत्ते या उससे भी मुंह की बदबू भी बिल्कुल आपकी क्लीन कर देता। दूसरा बात करते हमें इसका दंत मंजन बनाने की, दंत मंजन भी इसका बना सकते हैं आप। इसकी छाल प्लस इसके ये जो पत्ते हैं सूखे हुए पत्ते ले लें प्लस में आप इसके टहनी का जो भी आपको वो लगता है भाई कच्ची टहनी है उसको तोड़ के सुखा के और वो बना लो आप एक पाउडर बना लो। पाउडर से आप दंत मंजन का रूप में वो काम करेगी, इसमें कोई केमिकल नहीं होगा कोई नुकसान आएगा 100% ये फायदेमंद रहेगी। आप इसको सुबह शाम दातुन के रूप में दंत मंजन कर सकते हो तो ये आपके दांतों की संपूर्ण रक्षक है। और तो दोस्तों ये आपके पेट और दांत दो चीज़ों के लिए तो इतनी ज़बरदस्त फायदा है, बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त, क्योंकि आप देख रहे हो हरियाणा के अंदर तो तमाम लोग इसकी दातुन भी करते हैं, उनको पता है इसके इनके गुणों के बारे में। और मैं तो चाहता हूँ कि भाई जो भी प्रकृति ने हमें पौधे या जो भी आपको वो दी हैं जड़ी बूटियाँ आप उन्हीं का फ़ायदा उठाकर अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने जाड़ दांतों को पेट को आप इनका प्रॉपर प्रयोग करें और इसका जितने भी इसके अंदर गुण हैं उनका सभी का लाभ उठाएं। तो दोस्तों ये वीडियो आज 7 तारीख को अपलोड कर दी गई जाएगी आपके यूट्यूब चैनल पे और आपको इसको देखनी है चैनल को सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना ताकि हमारी वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा आपके जानकार यारे प्यारे दोस्त जो भी हैं रिश्तेदार हैं वो सभी इसका फ़ायदा उठा सकें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं ताकि आप इस प्रकृति के गुणों से ही आपके शरीर को तंदुरुस्ती मिले सदा स्वस्थ रहे वो यही कामना हमारी। हम इसी लक्ष्य पे चले हुए हैं पहला सुख निरोगी काया जो आप देख रहे हो मेरी वीडियो के अंदर बार बार मैं पूरे अपने देश से कोई इस तमाम बीमारियों से बचाने के लिए जो प्रयत्न कर रहा हूँ आप भी समाज सेवा के कार्यक्रम में भागीदार हों और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कार्यक्रम आगे तक बढ़ता रहे, हर एक आदमी तक इसके गुण पहुँचते रहें और हर एक आदमी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।